सो गाइज आजकल आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे ना काफी सारे लोग ना ऑनलाइन फोटो एडिट करना सिखा रहे हैं, लेकिन गाइज वो लोग सिखाते हैं ये तो सही बात है, लेकिन गाइज वो ना प्रॉपर नहीं बताते हैं कि कैसे आखिरकार ना ऑनलाइन फोटो को एडिट किया जाता है। और गाइज बताते भी हैं लोग ना तो उसमें आपकी मनपसंद चीज़ें नहीं मिल पाती हैं गाइज, जैसे कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिलता है, यानी कि गाइज ना वो फोटो मतलब अपलोड करने लायक नहीं होता है सोशल मीडिया पे। लेकिन गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ऑनलाइन फोटो एडिट करने का, वो सभी से हटके होने वाला है गाइज। और गाइज इस वीडियो के अंदर मैं दोनों तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे वो लोग बताते हैं और कैसे मैं बताता हूँ। तो गाइज इस वीडियो में आप दोनों तरीकों को जान लीजिएगा तो इस वीडियो में आपको पूरा मजा आएगा और नॉलेज भी गाइज आपको फुल मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आखिरकार वो लोग ना आप लोगों को ऑनलाइन फोटो एडिट करना कैसे बताते हैं, फिर मैं अपना तरीका गाइज आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा गाइज मेरा तरीका जान के। तो सिंपल से गाइज क्या करते हैं वो लोग, यहाँ से ना ऐसे गूगल को ओपन कर लेते हैं और सर्च बार में जाके गाइज ना सिंपल से रिमूव बीजी करके ऐसे सर्च करके और यहाँ पे आप लोगों को सर्च करवा देते हैं। और गाइज जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे पहले नंबर की वेबसाइट पे आपको क्लिक करवाते हैं लोग, और यहाँ पे कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोगों के सामने गाइज देखने को मिल जाता है। तो सिंपल से गाइज अपलोड इमेज के ऑप्शंस पे क्लिक करवा के और यहाँ पे मैं किसी भी एक फ़ोटो को गाइज सेलेक्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज मैं इस फोटो को लेके यहाँ पे डन क्लिक कर दूंगा और डन जैसे ही गाइज क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, अपलोडिंग होगा गाइज, और अपलोडिंग हो जाने के बाद ना ये आपका फोटो का बैकग्राउंड जो होता है गाइज ना उसको ये फटाफट से गाइज यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है गाइज। ये भी सही तरीका है ऑनलाइन फोटो एडिट करने का, लेकिन गाइज मैं जो तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ ना मनपसंद आप सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने फोटो के साथ। तो सिंपल से गाइज एडिट के ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड सजेशन में दे देगा गाइज, लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात गाइज यही होता है ना कि मनपसंद बैकग्राउंड आपको नहीं मिलता है जैसा आप लोगों को चाहिए। लेकिन गाइज जो मैं तरीका बताऊंगा वो सारा रियल होगा, जो भी आप बैकग्राउंड चाहते हैं उसे यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो गाइज यही था ऑनलाइन फोटो वो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन गाइज थोड़ा सा वेट कीजिए मैं अपना तरीका आप लोगों को बता दूं कि मैं आखिरकार कैसे आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑनलाइन फोटो एडिट करना। तो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ गाइज पूरा, और पूरा कट कर लेने के बाद सिंपल से आपको क्या करना होगा गूगल पे आके गाइज ना मैं जो बताता हूँ गूगल पे आ जाने के बाद सर्च में जाके ना सर्च बार में सिंपल से आपको सीवी बैकग्राउंड HD लिख के गाइज ऐसे सर्च कर देना होगा। और गाइज जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस गाइज आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इमेज के ऑप्शंस पे गाइज आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने गाइज बहुत सारे सीवी बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो गाइज आप लोगों को जो भी पसंद है गाइज यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये बैकग्राउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है तो इस पर मैं थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर लूँगा, और जैसे ही गाइज डाउनलोड इमेज करूँगा तो ये बैकग्राउंड हम लोग के जो है ना गैलरी में सेव हो जाएगा। तो जो भी बैकग्राउंड गाइज आपको पसंद है डाउनलोड इमेज करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना सारा चीज़ कर लेने हुआ गाइज ना सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा पूरा यहाँ से बैक आ जाने के बाद, बैक आएंगे सिंपल से गाइज आपको अपनी गैलरी में जाना होगा, और गैलरी में जाने के बाद गाइज आपको जिस भी फोटो को गाइज आपको एडिट करना होगा अपने ना यहाँ से ले लेंगे। और लेने के बाद सिंपल से गाइज क्या करना होगा एक ऐप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है गाइज फोटो रूम। फोटो रूम आप प्ले स्टोर पर जाके लिख के सिंपली उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने फटाफट से उसे डाउनलोड कर लिया है गाइज। तो शेयर की आइकन पे आपको क्लिक करके और इस फोटो को गाइज सिंपल से फोटो रूम ऐप में ऐसे लेकर चले जाना होगा, और जैसे ही गाइज लेकर जाएंगे तो ये थोड़ा सा स्कैन करेगा और ये ऑटोमेटिक ना आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। तो गाइज आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखिएगा तभी ये ऐप वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्लासिक में आ जाने के बाद गाइज ना सेकंड वाले ऑप्शंस पे हम लोग क्लिक करके सिंपल से बैकग्राउंड पे ऐसे आप एक बार टच करिएगा, और जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज का एक ऑप्शन गाइज आप लोगों को मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड चेंज वाले ऑप्शंस पे गाइज आप क्लिक कीजिएगा, माय फोटोज में आके ना आपको जो भी बैकग्राउंड आप लोगों ने डाउनलोड किया है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। गाइज ये वाले बैकग्राउंड को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है और इसके साथ थोड़ा सा हम लोग छेड़छाड़ करेंगे और ये फोटो काफ़ी बेहतरीन से गाइज एडिट हो जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग बैक हो
जाएंगे और ऐसे नीचे आएंगे गाइज ना, यहाँ पे एडजस्ट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज इस पर हम लोग क्लिक करके यहाँ से इसकी सेचुएशन को ना थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं गाइज, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे। और गाइज इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बैक आके ना आपको अपने बैकग्राउंड को भी ब्लर करना है, तो वो भी काफ़ी सिंपल तरीके से गाइज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ब्लर के ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिएगा, गाउसियन पे आप क्लिक करके और इसकी ब्लर को गाइज हम लोग ना 5 रख देंगे, 5%। और गाइज इतना रख लेने के बाद कुछ इस टाइप की फ़ोटो आपकी देखने को मिलेगी। तो गाइज यहाँ से आप अपने बॉडी पर क्लिक कीजिएगा और नीचे आएंगे यहाँ पे ना एडजस्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करके और क्या करेंगे, इसकी ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा सा गाइज इंक्रीज कर लेंगे। और गाइज जैसे ही आप ये सारी प्रोसेस करेंगे ना, तो कुछ इस टाइप की फ़ोटो आपकी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ओसम एंड फाड़ सी लग रही है। तो गाइज देखा आप लोगों ने कितना सिंपल तरीके से आप लोग इस टाइप की CV एडिटिंग ईजिली कर लिए हैं। तो इस फोटो को सेव करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करके सेव टू गैलरी कर दीजिएगा और ये फोटो हम लोग की गैलरी में गाइज सेव हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।